चला भाई इसको तो जब भी कोई इंसान के बाहर आया ऊंचे भी हजार मतलब जो है उनकी चीजों के बारे में तो आगे दिखाए तो मुझे और मेरे कैमरा मैन को दीजिए इजाजत देखते रहिए शेखराज के साथ तो वही सब कुछ वही लगा सर जो आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है जिस जो ये हवाले से हो रहा है कि जो कल एसिड अटैक हो गया एक 24 सालाना लड़की पे जो बहुत ही दर्दनाक था इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए ये इंसिडेंट जो हुआ है एक तो दर्दनाक इंसिडेंट है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हम आप इस वक्त एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम कश्मीरी एज अ सोसाइटी एक बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें ये अंदाज़ा करना चाहिए कि कितनी बेरहमी से इस छोटी बच्ची पे एसिड फेंका गया। और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ख़ासतौर पे हमारी जो जुडिशरी है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर हमारे पास कानून है अगर हमारे पास लॉज हैं तो उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा। क्या अगर उनके घर की किसी बेटी के साथ ऐसा इंसिडेंट होता तब भी वो ऐसे खामोश रहते जैसे वो आज खामोश है? हम हमारी जुडिशरी से एक बार फिर से दरख्वास्त करते हैं गुजारिश करते हैं कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इस कल्प्रिट के अगेंस्ट। और अगर हम एज ए सोसाइटी देखें तो कम से कम सजाए मौत हो सकती है, इसको हैंग किया जाना चाहिए ताकि एक एग्जाम्पल सेट की जाए और आने वाले वक्त में ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। अगर हम पिछले सालों की बात करें तो 1500 से ज़्यादा ऐसे केसेज हैं जो हमारी कंट्री में देखे गए हैं एसिड थ्रोइंग के। सो इट इज़ अ बिग चैलेंज फॉर आवर एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासतौर पर वी रिक्वेस्ट अवर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की वो हम पूरे शहर में होर्डिंग्स देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि अचीवमेंट्स ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। हम चाहेंगे कि उन अचीवमेंट्स में हम एक अचीवमेंट ये भी देखें गवर्नर साहब कि आप इस इशू को लेकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और इस कल्प्रिट को सख्त से सख्त सजा देंगे जो कि सजाए मौत हो और इस बार इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज आपकी ये सारी अचीवमेंट्स बेकार हैं, आपकी ये सारी अचीवमेंट्स ज़ाया हैं अगर आप एक छोटी मासूम बच्ची को इंसाफ ना दिला पाएँ। क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी एक कानून है लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हमारी जुडिशरी से हम गुजारिश करते हैं, हमारे चीफ जस्टिस से, हमारे गवर्नर साहब से कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें, खामोश ना बैठें। एक बच्ची उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, उसकी आँख पूरी डैमेज हो चुकी है, उसको इंसाफ चाहिए, उसकी फैमिली को इंसाफ चाहिए और इस बच्ची के साथ और भी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, बच्चियाँ हैं जिनके साथ ऐसा हुआ था, जिन सबको इंसाफ चाहिए और हम सब इंसाफ मांग रहे हैं और जस्टिस शुड प्रिवेल। जी मेरा नाम समरीन खान है। आज हमने यहाँ पे कल का जो इंसिडेंट हुआ एक लड़की पे एसिड अटैक हुआ है उसके हमने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट स्टेज किया है। हम तमाम आवाम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि प्लीज़ ऐसे इंसिडेंट्स हो तो उस पर उसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएं। स्पेशली यहाँ के जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए इसके ख़िलाफ़, ऐसे एक्शन लें तो जिससे आगे जाके ऐसा कोई ना कर पाए। स्पेशली यहाँ के जो लॉज है उनको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो एक कल्प्रिट है इसको फांसी की ही सज़ा मिले ताकि जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिले। किया जाए इसके खिलाफ, ऐसे एक्शंस ले तो जिससे आगे जाके ऐसा कोई ना कर पाए। स्पेशली यहाँ के जो लॉज है उनको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो एक कल्प्रिट है इसको फांसी की ही सज़ा मिले ताकि जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिले। मेरा नाम याना मीर है एंड आई एम अ रेसिडेंट ऑफ श्रीनगर एंड आई एम अ वेरी प्राउड रेसिडेंट ऑफ श्रीनगर बिकॉज कल जो ये भयानक हादसा हुआ हमारी एक बहन पे एसिड अटैक किया गया
उसके बाद पूरे श्रीनगर में आज यहाँ पे प्रोटेस्ट अलग अलग जगहों में हो रहे हैं एंड दिस इज द प्रूफ कि हमारी जो कश्मीरी सोसाइटी है वो इस तरह के हादसों को एक्सेप्ट नहीं करती एंड जो हमारे नौजवान हैं वो खुल के इसकी मजम्मत कर रहे हैं इस हादसे की और अपनी बहन के लिए इन सॉलिडेरिटी यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ठंड कितनी है, बारिश हो रही है, लेकिन ये मशाले लेकर यहाँ पे खड़े, ये रो रहे हैं उसके लिए, दुआएं हो रही है उसके लिए, दुआएं कर रहे हैं कि वो जिंदगी और मौत की भी जूझ रही है वहां पे और उसके बूढ़े माँ बाप उनकी क्या हालत हो रही होगी, ये सब सोच के हम यहाँ पे हर कोई बहुत तकलीफ में है अपनी बहन की, उसके फ्यूचर उसके मुस्तकबिल के बारे में सोच के। और रहा सवाल उस भेड़िए का जिसने ये काम किया है, उस भेड़िए को लगता है कि उसके कुछ भेड़िए फ्रेंड्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गलती लड़की की थी, उसने मैरिज प्रपोजल ठुकराया, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि उनको लगता है कि मैरिज प्रपोजल ठुकराने की वजह से इस भेड़िए को वो हक मिल गया कि वो किसी की लाइफ इस तरह बर्बाद कर दे। दिस इज द लोएस्ट डिजनरेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ थिंकिंग। सुबह से यही एक रिक्वेस्ट करती आ रही हूं एलजी साहब से, हमारे अमित शाह होम मिनिस्टर साहब से, हमारे नरेंद्र मोदी पीएम साहब से, जो आप आज इक्तदार में है, रूलिंग में है, मैं निजाम बनाओ, ऐसा एक कानून बनाओ, यहाँ पे अगर कोई जरा सी भी छेड़छाड़ लड़की से करे तो उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि ताकि दूसरा बंदा कांप उठे, तड़प उठे किसी की बहन की तरफ ऐसे बुरी नजर से देखने को भी। कल जो लड़की पे अटैक हुआ है, एसिड अटैक हुआ है, ये शर्म की बात है हम मुसलमानों के लिए। वो हमारी मुसलमान बहन थी, कश्मीरी बहन थी, और उस पे यहाँ किसी गैर ने नहीं, किसी अदर कमेटी ने अटैक नहीं किया उसको, आपने ही कश्मीरी भाई ने अटैक किया है, और क्यों किया है वो उसको पता होगा। और हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ, ये एक कत्ल से भी बढ़ के कत्ल है, क्योंकि अगर उसने कत्ल किया होता तो हम सोचते कि चलो इसने एक जान ले ली बात खत्म, लेकिन उसने उसकी पूरी जिंदगी खत्म की है, पूरी जिंदगी तबाह की है। हम गवर्नर से रिक्वेस्ट करते हैं इस लड़के को फांसी की तह तक पहुंचाओ। ये तो यहाँ के लोगों को समझना चाहिए, ये तो किसी पुलिस वाले ने नहीं किया, किसी बाहर वाले ने नहीं किया, किसी हिंदू ने नहीं किया, किसी सिख ने नहीं किया, ये एक मुसलमान ने किया है। और हम चाहते हैं, हम खुद भी मुसलमान हैं, उसको फांसी की तह तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरे जो यूथ यहाँ बिगड़ी हुई है उनको भी सबक मिले।